Hello children and welcome to today's session. Up news hain? What is in the news that is changing because of the conditions around us? So sometimes we hear that flights were cancelled due to changes in weather because the weather was very bad. Sometimes we hear that there was a lot of fog because of which visibility was very poor. Again, there were traffic jams, flights were cancelled, trains were cancelled. Now, this does not happen every day, does it? No. This happens only differing from time to time, day to day. These are the changes in the weather around us. Everyday changes in temperature, rain, humidity, all these changes affect our daily life. And this is what we are going to learn in the chapter today, which says weather, climate changes, and adaptation.

that means if it is cloudy outside you will call it a cloudy day Agar bahar tez hai, aap bologe, it's a sunny day and if it is raining of course it's a rainy day so these are the conditions that affect weather and weather changes from day to day so the first condition or the first element of weather is temperature

जब 90 परसेंट पहुँच जाता है दैट इज़ द टाइम अप्रोक्सीमेटली वेन इट बिगिनस टू रेन ह्यूमिडिटी मेजर कैसे करते हैं ह्यूमिडिटी मेजर करते हैं हाइग्रोमीटर से एंड हाउ डू यू मेजर रेन रेन इज मेजर बाय रेन गॉज द थर्ड क्राइटेरिया ऑफ वेदर इज विंड अब विंड कैसे अफेक्ट करती है वी ऑल नो दैट इंडिया में मॉनसून कैसे आता है इंडिया में मानसून सीजन में बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी दोनों तरफ से विंड्स सेंट्रल इंडिया की तरफ आती हैं जिसकी वजह से पूरे इंडिया में बारिश आती है एंड वी ऑल्सो नो दैट सर्दी के टाइम में माउंटेंस हिमालयस की तरफ से ठंडी चिल्ड हवा नीचे आती है बिकॉज ऑफ विच देर इज एन एक्सट्रीम वेव ऑफ कोल्ड इन विंटर्स इन द नॉर्दर्न प्लेन्स नाउ प्रिडिक्टिंग द वेदर इज अ डिफिकल्ट थिंग क्योंकि वेदर कभी भी चेंज हो सकता है बट बिकॉज दिस हैज टू बी प्रेडिक्टेड फॉर द सेफ्टी ऑफ ऑल द पीपल अराउंड एंड बिकॉज ट्रिप्स हैव टू बी प्लान्ड बाई एयर बाई रोड बाई रेलवेज देय फॉर प्रडिक्टिंग द वेदर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट और ये प्रिडिक्ट कौन करते हैं मीटोरोलॉजिस्ट दिज पीपल स्टडी द इन्वायरमेंट द वेदर एवरी डे और वेदर स्टडी करने के लिए अर्थ से बहुत सारी कंट्रीज़ ने सैटेलाइट्स ऊपर अर्थ के आसपास छोड़ रखी हैं दीज आर आर्टिफिशियल सेटेलाइट नाउ वेदर एज आई सेड आर चेंजेस फ्रॉम डे टू डे वेर एज क्लाइमेट इज़ द एवरेज लॉन्ग टर्म वेदर इन एन एरिया इसका मतलब समर्स के अंदर डेली के अंदर डेज हॉट होते हैं नाइट्स वॉर्म होती हैं और विंटर्स के अंदर डेज एंड नाइट्स बोथ आर कोल्ड इसका मतलब जो डेली का क्लाइमेट है दैट क्लाइमेट इज वार्म इन समर्स एंड कोल्ड इन विंटर्स अब कोस्टल एरिया जैसे कि गोवा हो गया इनका क्लाइमेट कैसा होता है इनका क्लाइमेट इज वम थ्रू आउट द ईयर दिस इज अ कोस्टल क्लाइमेट सो क्लाइमेट लेटर्स रीड द डेफिनेशन अगेन इट इज द एवरेज लॉन्ग टर्म वेदर कंडीशन ऑफ एंड एरिया अब क्लाइमेट जो होता है वो कैसा हो सकता है क्लाइमेट कैन बी कोल्ड एंड ड्राई जैसे कि श्रीनगर के अंदर क्लाइमेट कैन बी हॉट एंड ह्यूमिड एज इन चेन्नई द क्लाइमेट कैन ऑल्सो बी हॉट एंड वेट एज इन केस ऑफ चेरापुंजी नाउ फ्रॉम क्लाइमेट वी हैव टू अंडरस्टैंड द वेरियस क्लाइमेटिक जोन्स अर्थ को मेजरली थ्री क्लाइमेटिक जोन्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है एज वी कैन सी इन दिस पिक्चर द रेड लाइन शोज द इक्वेटर इक्वेटर वो होता है जिसके ऊपर सन की लाइट डायरेक्टली पहुंचती है इट इज़ द हॉटेस्ट एरिया ऑफ द अर्थ इक्वेटर के ऊपर और नीचे होती है टॉरेट जोन या टेम्परेट जोन दिस इज द जोन दैट आर कंट्री मोस्टली लाइज इन ऊपर और नीचे है टेम्परेट जोन एंड बिल्कुल एक्सट्रीम्स के ऊपर है फ्रिजिड जोन विच इज़ वेरी वेरी कोल्ड फ्रिजिड जोन के अंदर रहना इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर एग्जाम्पल इन कंट्रीज लाइक एंटार्टिका वेयर इट इज आइस ऑल थ्रू द ईयर द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर आर सीजन्स हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं दैट देर आर टू मोशंस ऑफ द अर्थ सो दीज टू मोशंस आर रोटेशन एंड रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन का मतलब जब अर्थ सन के आसपास घूमता है जब ये हो रहा होता है तो अर्थ रोटेट भी कर रहा होता है ना दीज टू मूवमेंट्स अंडर टेकिंग साइमल्टेनियसली कॉज द चेंजेस इन सीजन्स एंड डे एंड नाइट सीजन्स की बात करें तो मार्च इज स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिसफेयर एंड ऑटम इन द सादर्न हेमस्फियर June is summer in the northern hemisphere, winter in the southern hemisphere. Towards September, it becomes autumn in the northern hemisphere and spring in the southern hemisphere. And in December, there is winter in the northern hemisphere and summer in the southern hemisphere. This is how the movement of Earth around the sun causes a variation in seasons. Now, डिपेंडिंग ऑन द प्लेस दैट वी आर लिविंग इन लाइक वी जस्ट स्टडीड अबाउट द डिफरेंट क्लाइमेट जोन्स हर क्लाइमेट जोन के अंदर टेम्परेचर ह्यूमिडिटी रेनफॉल विन कंडीशंस ये सब डिफरेंट होंगी तो इन कंडीशंस के अंदर जो एनिमल्स रह रहे हैं उनके बॉडी फीचर्स डिफरेंट होंगे नाउ दीज बॉडी फीचर्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स आर कॉल्ड अडाप्ट अडेप्टेल्प डिफरेंट एनीमल्स एंड प्लांट्स टू सर्वाइव इन डिफरेंट काइंड ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस क्योंकि उनके पास ह्यूमन बींग्स के जैसे ना तो कोल्ड वैदर के क्लोथ्स हैं ना रेनी वैदर के क्लोथ्स हैं और ना समर क्लोथ्स हैं सो दे हैव टू अडेप्ट देर ओन बॉडी टू सर्वाइव इन सच एक्सट्रीम चेंजेस लेट इस फर्स्ट टॉक अबाउट एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट एक्स्ट्रीम कोल्ड क्लाइमेट की जब हम बात करते हैं तो इसमें टेम्परेचर लेस दैन थर्टी सेवन डिग्री पहुंच सकता है एंड दिस इज माइनस थर्टी सेवन डिग्रीज द विंटर्स आर वेरी वेरी कोल्ड इन फैक्ट द विंटर्स आर अ पीरियड वेन दीज एनिमल्स अंडर गो अ वेरी लॉन्ग स्लीप दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स हु आर लिविंग इन Cold areas. So, as we can see in the picture, we see a polar bear who has got very short ears and very short legs. aisa क्यों? Because legs or ears एक ऐसा part of the body होते हैं जहाँ से heat loss जल्दी होता है. इसलिए इनके ears और legs and the tail also is very very short. द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज दे विल भी यूजली वाइट इसकी वजह से क्या होगा स्नो के ऊपर वो दिखेंगे नहीं कैमोफलाज हो जाएंगे एनिमी उनको अटैक नहीं कर सकता एना द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पोलरबेयर इट कैन क्लोज इट्स नोस्ट्रल्स एंड रिमेन अंडर वॉटर फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन एंड वॉटर इज ऑलवेज वमर दैन द सराउंडिंग एटमोसफेयर नाउ नेक्स्ट कमिंग टू पेंग्विंस पेंग्विंस भी हमें पता है दैट दे आर एनिमल्स ऑफ द पोलर रीजन नाउ दीज पेंग्विंस दे लिव इन ग्रुप्स ग्रुप्स में रहने से क्या होता है आपस में एक दूसरे की वार्म से दे कैन सर्वाइव द कोल्ड क्लाइमेट दे आर ऑल्सो व्हाइट एन कलर विच हेल्प्स इन कैमोफ्लाज एंड ऑल्सो दे आर वेरी गुड स्विमर्स स्विमिंग अच्छी होने की वजह से दे आर एबल टू गो डीप इन टू द वॉटर टू कैच फूड बिकॉज ऑब्वियसली कोल्ड क्लाइमेट में एनिमल्स कम होंगे एनिमल्स कम होंगे तो फूड भी कम होगा सो दैट इज द रीजन दे नीड टू डिवेलप दी स्पेशल स्किल्स अब इसका बिल्कुल उल्टा हो जाता है हॉट क्लाइमेट डेजर्ट्स के अंदर डेजर्ट के अंदर बहुत तेज गर्मी है वहां पर हमने देखा कि ईयर्स टेल्स और लेग्स बहुत शॉर्ट थे सो दैट द बॉडी डज नॉट लूज हीट यहाँ पे हीट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है एंड द एनिमल नीड्स टू लूज दैट हीट तो वो कैसे लूज करेगा विद वेरी लॉन्ग ईयर्स वेरी लॉन्ग लेग्स एंड अ वेरी लॉन्ग टेल इन एडिशन टू दीज जो हॉट क्लाइमेट के एनिमल्स होते हैं वो नॉक्टर्नल एनिमल्स होते हैं नॉक्टर्नल्स मतलब द एनिमल्स विच आर एक्टिव एट नाइट ये रात को बाहर आते हैं जब वेदर थोड़ा सा कम गर्म होता है एट दैट टाइम दे लुक फॉर फूड नाउ अगेन द सेम थिंग क्योंकि डेजर्ट है इसलिए यहाँ पे फूड और कम होगा नाउ दीज एनिमल्स अ वेरी शार्प सेंस ऑफ हियरिंग एंड ऑफ स्मेल ताकि ये खाने को बहुत दूर से लोकेट कर सके नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टोटली कॉन्ट्ररी एनवायरमेंट हम बात कर रहे हैं ऐसे एनवायरमेंट्स की जहाँ खाने की बहुत कमी है बट इफ़ यू टॉक अबाउट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ कहाँ होते हैं वी कैन सी इन दिस मैप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एज वी कैन सी साउथ अमेरिका अफ्रीका एंड इन सम पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया इन सारे फॉरेस्ट के अंदर खूब बारिश होती है बहुत थिक वेजिटेशन होती है जब खूब बारिश होगी और बहुत थिक वेजिटेशन होगी दैट मीन्स द एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज विल थ्राइव इन थाउजेंड्स जब इतनी सारी एनिमल और प्लांट स्पीशी होगी तो जो प्रॉब्लम यहाँ पे होती है वो ये होती है दैट दीज एनिमल्स हैव टू फाइट अ वेरी फियर्स कॉम्पिटिशन बिकॉज इतने सारे एनिमल्स के बीच में सर्वाइव करना अगेन बिकम्स डिफिकल्ट छोटे एनिमल्स ईजिली प्रे बन जाते हैं सो हियर इन दीज एरियाज मोस्ट ऑफ़ द एनिमल्स एज यू वुड सी दे लाइक टू लिव ऑन ट्रीज ट्रीज में रहने से क्या होता है एक तो बारिश का इफ़ेक्ट कम होता है दूसरा जो प्रिडेटर्स होते हैं वो नीचे की ब्रांचेस तक तो जा सकते हैं ऊपर की ब्रांचेस पे नहीं जा सकते नाउ बिकॉज दीज एनिमल्स लाइक टू ऑन ट्रीज इनके हैंड्स और इनके फीट बहुत स्ट्रोंग होने पड़ते हैं इन फैक्ट दे हैव अ वेरी लॉन्ग टेल जिसकी हेल्प से दे कैन जम्प फ्रॉम वन ब्रांच टू एनअर और एक बहुत अमेजिंग अडेप्टेशन होती है इस बर्ड में विच इज़ कॉल्ड टूकन बर्ड टूकन बर्ड की बीक

सो यू सी चिल्ड्रन दंडर्स ऑफ नेचर हाउ नेचर गिव्स एवरी एनिमल समथिंग डिफरेंट टू लिव विद कमिंग डाउन टू सीजनल वेरिएशन ऑफ़ क्लाइमेट ऑन एनिमल्स फर्स्ट इज चेंज इन कलर्स जब किसी भी जगह पे सीजन चेंज हो रहा होता है तो एनिमल्स कैसे अडाप्ट करते हैं हम एग्जाम्पल ले रहे हैं आर्टिक हेयर की आर्टिक हेयर जो होता है वो ऑटम आते ही अपनी ब्राउन बॉडी को वाइट में धीरे धीरे कन्वर्ट करना शुरू होता है बाय द टाइम इट इज विंटर्स द आर्टिक हेयर इज ऑलरेडी वाइट इन कलर सो दैट इट इज कम्प्लीटली कैमोफ्लाज इन द स्नो एरिया नो बडी कैन फाइंड इट द नेक्स्ट इज माइग्रेशन वी ऑल आर अवेयर दैट माइग्रेशन इज अ स्पेशल फीचर इन सर्टन बर्ड्स वाई डू बर्ड्स माइग्रेट क्योंकि ऐसी जगहों पर जहाँ पे ठंड हो जाती है फूड की कमी हो जाती है द बर्ड्स मूव वेरी वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेज इन फ्लॉक्स और वो वार्म जगहों पर जाकर रिप्रोड्यूस करते हैं एंड व्हेन द सीज़न इन द वार्म प्लेस चेंजेस दे कम बैक टू देयर ओरिजिनल प्लेस सो माइग्रेशन इज़ इन अदर अडाप्टे जो सीजनल चेंज के साथ वैरी करती है द नेक्स्ट इज़ द लॉन्ग विंटर स्लीप विच इज़ नोन एज हाइबरनेशन as i discussed in arctic region animals also those animals eat a lot during the summers and autumn season or winter season ke andar wo deep caves ke andar jakar so jate hain throughout the winters and their body keeps on consuming the fat that is stored inside their body this is known as hibernation now we all are also aware of the fact कि हमारे आसपास की बहुत सारी एनिमल स्पीशीज धीरे धीरे गायब होते जा रही हैं डू यू नो वट इज़ द मेजर रीजन फॉर इट द रीज़न इज बिकॉज हम ह्यूमन बींग्स की पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है हमारी नीड्स बहुत बढ़ रही हैं इसकी वजह से हम वेरी कन्वीनियंटली फॉरेस्ट को काटते जा रहे हैं एंड एज वी कट दिस फॉरेस्ट वी डू नॉट रियलाइज दैट दीज एनिमल्स हु आर लिविंग इन दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो डाइंग बिकॉज दे आर लूजिंग देयर होम्स same is the case with animals in arctic regions warm places are getting warmer so ice caps will melt ho rahi hai. when there will be no snow where are the penguins where are the polar bears going to go that is why it is very very important for all of us to become aware of the climate changes that are taking place around us so children in this chapter you have learned about weather climate and the changes that take place from day to day and in seasons you have also learned the various adaptations that different animals develop in order to survive in extreme conditions you've also learned about the adaptations due to change of seasons climate change and ways in which we can protect the animal life thank you so much